अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वेश्चन फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये हमें दिए हैं वन से लेकर फिफ्थ तक के, तो इनको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व करे थे वैसे ही करेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यहाँ पर स्क्वेयर रूट बताना है 2.56 का, तो ये डेसिमल नंबर है तो मेथड तो वही रहेगी जो क्वेश्चन फर्स्ट में थी, सेम मेथड रहेगी। तो 2.56 हमने लिखा। अब इसमें हमने क्या करा, पेयर्स बनाए तो ये वन और ये सिंगल डिजिट बन गई। तो यहाँ पर देख रहे हैं टू किस में मिल रहा है हमें, स्क्वायर में। यहाँ पे ये वन का स्क्वायर और टू का स्क्वायर, फोर ज़्यादा होता है तो वन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वन। ये इनको प्लस कर देंगे, ये टू और ये वन, वन जा वन और यहाँ पे भी वन लिख दिया, सबट्रैक्शन पे बचा वन। अब यहाँ डेसिमल है तो पेयर हम जब उतार रहे हैं, ये पेयर तो नीचे उतारेंगे 56, तो डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे। ये बस इतना करना है, बाकी तो बस पहले जैसा वैसे ही करना है। ये 156 लाना है, यहाँ पर भी चेक करें सिक्स है तो सिक्स यूनिट प्लेस पे देखें आप, सिक्स कहाँ पे मिल रहा है, फोर पे मिल रहा है, तो यहाँ पे टू चल रहा है, ये टू तो है यहाँ पर, ये तो टू, ये टू चल रहा था और इसमें से क्या लेना है हमको, टू यहाँ पर चल रहा है साथ में, तो इसमें सिक्स आ रहा है, फोर फोर जो 16 होता है, तो यहाँ पे फोर से मैं चेक कर लेता हूँ तो 156 आता है कि नहीं आता है, तो ये उसके बाद में फिर आगे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 4 16 कैरी 1 और 4 2 8 और 9 96 आ रहा है। अब आगे कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 36 पे मिल रहा है, 6 ले लेते हैं, तो ये 24 में ये 24 की जगह 6 ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं 6 से, 6 6 जा 36 3 6 2 जा 12 और 15 ये आ गया 156 रिक्वायर्ड नंबर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 156 ये हो गया है। ये तो यहाँ पर कितना लिया था हमने, 6 लिया था, इसको प्लस करेंगे तो 2 और ये 3 32 और यहाँ पे 6 आ गया 1.6, तो ये फाइनली जो आंसर निकलेगा 2.56 डेसिमल का जो स्क्वायर रूट जो है वो 1.6 ये हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड में भी लिख लेते हैं 7.29 जो है, ये 7.29 फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही करना है इसको भी, और अभी इसका जैसा किया था ये वैसे ही करना है। यहाँ पे पेयर्स बना लिए है, ये 29 और ये सिंगल डिजिट बन गई। 7 कहाँ पे मिल रहा है, 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 7 यहाँ पर मिल रहा है इन दोनों के बीच में, तो 9 ग्रेटर देन होता था 4 ले लेंगे, 4 किस में ले, 2 में मिल रहा था, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, इनको प्लस कर लेंगे, ये 4 हो गया है और यहाँ पर जो है ये 2 2 4 यहाँ पर ये सबट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा। ये अब हम क्या है, डेसिमल यहाँ पे लगा है, तो डेसिमल लगा है तो यहाँ पे पेयर ले लेंगे, तो 29 का पेयर तो नीचे आ गया है, तो डेसिमल यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आंसर में डेसिमल लगा देंगे ये इस प्रकार से। अब हमें क्या लाना है, 329, तो 329 किस प्रकार, 4 यहाँ पे है, 4 ऑलरेडी है, 4 तो लिखेंगे। अब 9 आ रहा है तो 9 किस में मिल रहा है, ये एक तो 3 3 9, तो पहले 3 भी चेक कर लेते हैं, आ जाएगा इससे ये शायद मिल जाएगा, आई थिंक 3 3 9 हो गया और 3 4 12 नहीं इसमें नहीं मिलेगा। अब 9 किस में मिलेगा, फिर यहाँ पर चेक करते हैं 7 में आ रहा है 9, तो ये तो यहाँ पर लिख देते 4 लिख देते हैं और यहाँ 7 7 कर लेते हैं, ये 7 7 जा 49 4 7 4 जा 28 28 और 32 ये रिक्वायर्ड आंसर नंबर जो मिल गया 329, तो यहाँ पर 329 हो गया। इनको सबट्रैक्ट करा 0, ये यहाँ पर भी सबट्रैक्शन करना था, यहाँ 0 बताया नहीं हमने, ये 0 ये, तो इनको सबट्रैक्ट करा 0, यहाँ पे कितना लिया हमने 7 लिया था, ये 7 लिया है तो यहाँ 7 लिख देते हैं, ये 7 इसको प्लस कर देते हैं, तो 7 7 14 और ये 54 क्या लिया 7, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए, तो ये तो फाइनली जो इसका जो आंसर जो लिखना कितना हैगा 7.29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.7। नेक्स्ट थर्ड में हमें दिया है क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 51.84 वी हैव गिवन एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। सो पेयर्स बना लीजिए इसमें, ये पेयर बना लिए। अब यहाँ पर क्या है, पेयर भी एक डेसिमल की पहले पेयर और एक डेसिमल की बाद में। अब 51 कहाँ मिल रहा है देख लीजिए, 4 के स्क्वायर में 5 51 मिल रहा है हमें इन दोनों के बीच में, 49 और 64 के बीच में मिल रहा है, तो 49 लेंगे यहाँ पे किसमें, तो 7 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 7 यहाँ पर भी लिख दिया, 7 यहाँ पर भी लिख दिया, ये इस प्रकार से ये प्लस करेंगे तो 7 7 14 हो जाएगा और 7 7 जब 49 होता है, 49 लिख देते हैं ये यहाँ पे,
और ये सेवन लिया था, सेवन लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट पेयर लेंगे तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया आंसर में, और इसको सबट्रैक्ट करा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा सबट्रैक्शन पर, ये 15 49 गया तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। ये यहाँ पर आप यहाँ पर डेसिमल नहीं लिखेंगे, डेसिमल आंसर में लिखते, ये 84 ऊपर से ले लिया ये। अब यहाँ क्या करेंगे हम, कितना लेना है, 14 तो चलेगा ही चलेगा, ये 14 चल रहा है यहाँ पर। अब कितना यहाँ पे आना चाहिए, 284 आना चाहिए, 4 आ रहा है वंस पे, तो यहाँ देखिए 4 कहाँ पे मिल रहा है, 2 से चेक कर लेते हैं। 2 से अगर अभी आ जाए तो ये 2 2 ज़ा 4 होता है, तो ये 2 से तो कितना है, 2 2 ज़ा 4, ये 2 4 ज़ा 8, ये और 2 1 ज़ा 2, 284 लाना था तो 284 आ गया थे, लिख दीजिए 284 यहाँ पे। ये इस प्रकार से हमने लिख दिया, क्या लिया था हमने, 2, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और प्लस करेंगे 2 2 ये 4 और ये 4, ये हो जाएगा 4 और ये 144, और इसको सबट्रैक्ट करा कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो जिसका जो आंसर निकलेगा कितना हो जाएगा, 51.84 ये। तो यहाँ पे क्या लिया हमने, 2 लिया था, ये 7.2 हो गया, 7.2 आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7.2। ये 42.25 दिया है, पेयर बना लेते, ये पेयर बना लिए, इसमें 42 कहाँ पर मिल रहा है, ये 42 कहाँ पर मिल रहा है, इन दोनों के बीच में 36 और 49 के बीच में, तो 36 ले लेंगे यहाँ पे, तो ये 6 ले लिया हमने, ये 6 ये, तो यहाँ से ये प्लस करेंगे तो 6 6 12 होता है यहाँ पर, 6 6 36, यहाँ पे 6 लिख देते हैं। अब डेसिमल लगा देते हैं आंसर में, क्योंकि पेयर लेंगे तो यहाँ से 36 में से 6 42 में से 36 सेपरेट हुआ, तो क्या 12 में 6 का तो 6 बचा यहाँ पे, ये ऊपर से पेयर लिया 25 हो गया ये। अब 5 किस में आता है, 5 में होता है, तो 5 से आ जाएगा ये, तो ये 5 लिख देता हूँ, चेक करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी अगर करना हो तो कर लेते हैं। 12 125 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25, ये 2 5 2 ज़ा 10, 2 5 5 ज़ा 2 625, तो आ गया 625 ये। ये इसको सेपरेट करा 0, और यहाँ पर 5 था, यहाँ पर भी 5, इनको प्लस करेंगे तो 130 हो जाएगा ये, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको कितना 5 लिया तो 6.5 हो गया, तो यहाँ पे जो लास्ट में आंसर जो लिखेंगे कितना हो जाएगा, 4 2 2 5 का जो आंसर निकलेगा कितना, 6.5, ये इस प्रकार से स्क्वेयर रूट हो गया। अब ये अब एक बचा है, ये कर चुके हम 31.36, तो इसको यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ये इसको देख लीजिए 31.36 पेयर बनाए, इसके पेयर बनाते हैं तो ये पेयर बनाइए ये, तो यहाँ पे कितना है, 31 किस में कहाँ पे मिल रहा है, ये इन दोनों के बीच में मिल रहा है, तो 5 ले लें यहाँ पे, तो ये 5 ले लिया, ये आ गया 5 यहाँ पर भी ये, तो कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, ये 5 लिख दिया यहाँ पर ये। अब डेसिमल डिजिट लिखेंगे तो यहाँ 6 बचा ये पॉइंट, अब यहाँ पर पॉइंट इधर डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पर ऊपर से ये लगा 36 ये, 5 5 10 ये। अब 10 यहाँ पे कितना लेना है हमें, क्या 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 कौन सा डिजिट आना चाहिए यहाँ पे, तो 10 तो चल रहा है ऑलरेडी, ये 10 तो चलेगा। अब कितना लेना है हमें, यहाँ पर 6 लाना है, तो 6 किस में आ जाएगा, 4 में होता है, चेक कर लेते 4 से आता है कि नहीं आता है, ये 4 4 ज़ा 16, ये 6 और फिर 0 16, 4 1 ज़ा 4 नहीं, फिर और आगे बढ़ते हैं, ये किस किस में आ जाएगा, 6 किस में आता है, 36 में आता है, 6 में आता है, 6 स्क्वायर 36, 6 ले लें यहाँ पर, ये 6 में आ जाएगा, 6 6 ज़ा कितना होता है, 36 होता है, ये 6 और ये 3 लिख दिया, 6 1 ज़ा 6, ये आ गया, कितने मिला, 6 में मिला ये यहाँ पर, तो 636 ये हो गया, ये 636 सबट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, सबट्रैक्शन में कितना हो गया, यहाँ पर 0 मिल गया, यहाँ पर कितना लिया, 6 लिया था, ये 6 6 कितना 12 हो गया, और ये 1 और ये 112, तो इसका जो फाइनली जो आंसर निकलेगा कितना जाएगा यहाँ पर, कि 31.36 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5.6।